जब बिजली चमके है तो आसमान का रंग बदल दिया करे, जब आंधी उठे तो दिन रात बदल दिया करे, और जब गर्ज मारी धाकड़ छोरिया तो इतिहास बदल दिया करे। धाकड़ छोरी यो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि पहचान है हमारा हरियाणा की उन छोरिया की, जो अपने बड़बूते सब कुछ करना जाने हैं, नई ऊंचाई छूना जाने हैं और जाने हैं डट के गलत के खिलाफ आवाज उठाना। इस सोच के साथ बनाई गई है यह वेब सीरीज धाकड़ छोरिया, जिसकी प्रमोशन खातर धाकड़ छोरिया की पूरी स्टार कास्ट आज पहुंची थी हिसार के ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। तो चलो तमने भी दिखा दिया हरियाणवी सितारिया के लिए पत्रकारा की या खास मुलाकात। कोई चीज गलत हो रही है, इवन जैसे हमारे घरवाले गलत कर रहे हैं, अगर हम वहीं पर आवाज नहीं उठा सकते तो आई डोंट थिंक सो कि हम कोई धाकड़ छोरी है ना। कोई धाकड़ छोरी अपने घर का ही बना है। और जो बात आपने मेरे से पूछी कि भाई क्या क्वेश्चन किया आपने, जैसे भाई इस तरह की कोई स्टोरी तैयार करनी है, हमें होस्टल लाइफ के ऊपर, गर्ल्स होस्टल लाइफ के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी कि भाई मैं हॉस्टल जाऊं, लड़कियों से मिलूं, कोई बात करूं? नहीं नहीं, इस सीरीज के लिए मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये चीज फील करती हूं, मतलब किसी ना किसी रूप में, जैसे मैंने आपको कहा अभी, कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ शुरू से ही मतलब ऊंच नीच जो चीजें होती है वो होती आ रही है, तो जरूरी नहीं है सबके साथ सेम चीज हो। मतलब मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी फील से उस एक्टिंग को किया है जो मेरे साथ, मतलब पास्ट में मेरी चीजें हुई हैं और जो सर ने सिखाया उसको, मतलब एनएलबो किया है, अप्लाई किया है। इसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? आपने अपनी लाइफ बताया, बहुत सारी चीजें फेस करी हैं, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है सीरीज में? जी, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो काफी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? निशा के साथ काम करना, निशा के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमें, जैसे एक जेलसी होती है ना, तो दो लड़कियां होती है, मतलब सुना भी होगा आपने, मतलब गिव एंड टेक वाला वो था कि अगर मेरे सामने वाला एक्टर अच्छा है तो मैं उससे ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी, तो वो वाला सीन था। अगर मैं कोई डायलॉग मतलब हल्का भी बोल रही हूँ लेकिन अगला बंदा अगर उसे अच्छा बोल रहा है तो नेक्स्ट टाइम मेरा भी ये होता है कि उसको मैं और अच्छा बोलूँ, तो ये मेरे को सबसे मतलब अच्छा लगा। मेरी और जो निशा की बॉन्डिंग मतलब थ्रू आउट धाकड़ छोरिया में रही है। जी, कुछ और बताना चाहोगे इस फिल्म के बारे में, मतलब आम जन में या लड़कियां इससे क्या सीखे, कुछ खास बताना चाहोगे? अच्छा ठीक है। सीखना तो मतलब यही है, देखो आज भी जैसे सर ने क्वेश्चन किया था कि ऐसे तो आप बहुत लेट हो गए, मतलब इसी सीरीज तो पहले बन चुकी है, यहाँ से किसी ने क्वेश्चन किया था, इन्होंने किया था, बन चुकी है, लेकिन ये चीज है मैं उससे काम तक बिलोंग करूं जो मैं वहां तक उठ के यहाँ तक आई हूँ। मतलब मैंने बहुत कुछ फेस करा है, अगर शायद कोई लड़का होता तो इजीली चीजें मिल जाती हैं, लेकिन लड़की को उस चीज को पाने के लिए मतलब अपने आप को मतलब साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, है ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए। तो ये जो सीरीज बन रही है ये जब तक ही बनती रहेंगी जब तक भाई कि ये चीज हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। मैम सीरीज में नशे के खिलाफ जागरूक किया गया है, नशा करने वाले जागरूक होंगे पर नशा बेचने वाले कितने जागरूक होंगे सीरीज? ये क्वेश्चन का निशा आंसर दे पाएगी, मैं ज्यादा आई थिंक समझदार हूँ इस मामले में। हाँ जी, एक बार दोबारा पूछेंगे। नमस्ते, आप सब नए, मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया, आपने वेट करना पड़ा, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग रुके इतनी देर। हाँ जी मैम, ये था भी जी, नशा करने वाले तो सीरीज को देख के जागरूक होंगे पर नशा बेचने वाले कितने जागरूक होंगे? देखिए मुझे लगता है जब से हम सिनेमा देख रहे हैं, कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं उखाड़ सकती है, ठीक है। हाँ, अगर हम ये कहें कि प्रॉब्लम हमारे घर से शुरू होती है तो उसका सोल्यूशन भी हमें कहीं ना कहीं घर हो गया या जिस भी एरिया में वो प्रॉब्लम हो रही है वहां से खत्म हो गई। तो कोई भी सीरीज आपको मैसेज दे सकती है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन कई बार शायद आप लोगों ने भी वो चीज़ फेस की होगी कि वो जब तक वो फिल्म का असर रहता है शायद तब तक ही वो असर रहता है। तो हम किसी भी चीज़ को, मुझे नहीं लगता ऐसे मीडियम के थ्रू बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं कहूंगी लॉ हमारा चेंज हो,
हमारी प्रोटेक्शन चेंज हो या जहां से सप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड से जो हम नहीं देख पाते हैं, उन चीजों को बदलाव शायद आना चाहिए बजाय इन सब चीजों के कि हम सीरीज देख के कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो देना चाहिए ना उनको, या मैसेज देगी सीरीज? जी नहीं, मैसेज तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी सीरीज या फिल्म बनती है मैसेज तो उसमें होता है कि आप नशा मत करो, ठीक है, आप इसको बढ़ावा मत दो, या जो बेच रहे हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में, तो सरकार को उस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। हम तो सिर्फ एक जरिया है हजारों लाखों करोड़ों लोगों की ऑडियंस तक ये बात पहुंचाने का कि ये हमारे समाज में हो रहा है, तो वी कांट स्टॉप इट लाइक कि एक सीरीज बना दी और सब कुछ रुक गया। जी जी जी। अरे नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं लगभग स्टेज आपके प्रोग्राम से भी जाता हूँ जी, और हरियाणवी की जय का नारा भी सुनता हूँ जी, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेलर भी देखे। हम थोड़ा पीछे हैं हरियाणवी ने, थोड़ा आगे हरियाणा में, थोड़ा नहीं घना आगे हरियाणा में। हमारे गाने तो बहुत चल रहे हैं, मतलब हम कह नहीं सकते, दूसरे देशों में शायद इंग्लिश गाने सुनने की बजाय लोग हरियाणवी गाने से समझना और सुनने लग रहे हैं। लेकिन हम सीरियसली पीछे हैं सिनेमा ने लेकर हरियाणवी में। अगर चंद्रावल के टाइम पर अगर हमारा सिनेमा कंटिन्यू रहता और इतना पहुंचता आगे तक, तो शायद हम भी बॉलीवुड या बॉलीवुड ने बीट कर रहे होते आज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देरी सही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। शायद आप जैसे कुछ कृतियां आप डिस्कस कर रहे थे सर कि कुछ कहीं ना कहीं हम मिस हैं, या कहीं ना कहीं कोई चीज आप चाह रहे थे कि यह चीज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, तो उस चीज के लिए माफी, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उतना उसमें लगा सकता है। शायद आप लोग देखो आप उसमें, आपको ये लगे कि इसमें ये हो सकता था, उसमें वो हो सकता था, तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को लेके। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, राजेश से भी कल मेरी बातचीत हो रही थी। जी जी, ये जो कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती आज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है हम अभी डाउनफॉल पे, हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दे रहे हैं, उन्हें पता है ये चीज, लेकिन फिर भी वो इस चीज में मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ठीक है नॉर्मल हुआ, दूसरा अच्छा होगा, और हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसे न्यू सेकेंडा में चेंज हो जाए। हमने कही यार ये बढ़िया सिनेमा नहीं बना रहे, बढ़िया बजट नहीं दे रहे, बढ़िया पैसे नहीं लगा रहे, लेकिन अपनी फील्ड ऐसी है, या फील्ड आज हमने कोई थॉट लिया वो शायद 3-4 महीने बाद वो थॉट क्रिएशन में आएगा, फिर थोड़ी 3-4 महीने बाद वो प्रोजेक्ट होगा, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन होगा, मतलब इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, पर मन्ने ये समझा दियो जी कि क्या आप लोग जो कर रहे हैं जी, ये पूरे हरियाणा में पहुंच पा रहा है जी? कितने करोड़ कितने लाख दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने जुटा लिए जी? मैं तो सर सच्ची सच्ची दिल से बताऊं तो दिल्ली मेट्रो में, गुड़गांव मॉल में, कहीं भी है, सब स्टेज ने जान रहे हैं कबीर, पर मैं कहीं भी जी जी डेटा सर बताएंगे। हाँ जी, एक चीज देखता हूँ जी, बड़े प्यार से जाता हूँ देखने हरियाणा को, जरूर आगे आज नहीं 2-4 साल की पिक्चर हम देख सकते हैं स्टेज के साथ जुड़ के, या जो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकूं कि हरियाणा का डंका बजेगा, जो गाने में बजे फिल्मों में भी बजेगा, और आप लोगों की वजह से बजेगा जी। बाकी डेटा शायद सर या जी जी जी, जी जी, जैसे एक तो मैं सर के सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि मैं हॉस्टलर रही हूँ, मैं मेरी स्टडी LBU तो ये, मैं हॉस्टलर थी और मैंने ये चीजें लाइव देखी हैं, और कहीं ना कहीं एक एक्टर होगा अगर कोई चीज देख ली ना, जैसे राखी ने बताया कि मैंने वो घर में एक्सपीरियंस कर ली, ठीक है, मैंने वो बाहर एक्सपीरियंस कर ली, तो एक एक्टर होगा ना छोटी छोटी चीजों ने ही देख के अडेप्ट कर लेगा चीजों ने, उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन मैं एज एक्टर क्यों कर क्रिएट कर सकूं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टर ने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा ना, तभी फील करा होगा, तभी वो इतना अच्छा शायद निकल कर आया होगा। इसमें एक रोल है सर का, विधायक जी का रोल है जी, आपने हॉस्टल लाइफ जी है आपने बताया जी, तो क्या उतना लेवल भी होता है जो मूवी में दिखाया है जी? ऐसा होता है? हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन हमने देखा है जी, बिल्कुल होता है, बहुत सारी चीजें देना चाहूंगी। अभी आई थिंक जो ये पहलवान थे प्रोटेस्ट में बैठे थे, क्या था वो? जी बिल्कुल यही था बिल्कुल, बस जी बताओ राखी जी। जी एक सेकंड, उन्होंने कुछ सवाल किया था जी सर। तो जैसे नशे का ऊपर स्टार्टिंग हुआ है, क्योंकि सबसे पहला देखे तो मेरा नजरिया है, मेरा पर्सनल व्यू है कि 5 फिल्मों का कंटेंट इसमें डाल दिया है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में नशे के ऊपर बात हुआ है, लेकिन एक करप्ट अधिकारी उसकी छुड़वा दे, क्योंकि पहुंच विधायक तक हुआ है उसकी और छुड़वा दे है जी। उसके बाद में कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जिस तरह कह सका कि नशापुरी करना रहे हौसले डाउन हुए हूँ, मैंने देखने को मिला है कि अंजाम तक नहीं पहुंची वो चीज, ये थी या फिर उन तक वो
जी इस, उसका एंड किसी और तरीके से था सिनेमा पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो शायद सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अंजाम जो है, अंजाम तक कहानी कभी पहुंचती नहीं, जिंदगी चलती रहती है। और आपने तो, आप मेरे को ये सजेस्ट कर रहे हो कि मैं अपना स्क्रीन प्ले पूरा चेंज करके सबको कल्प्रिट्स को सजा दिलवाता, तो अगली बार आपके साथ बैठ के स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जो अंजाम तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि एक कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। कभी ऐसा भी होता है जैसा हमने दिखाया है, ऐसा नहीं है, बिलीवेबल नहीं हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग रामायण महाभारत देख के उनके अंजाम इतने अच्छे से हम चीजें समप होती है ना कई कहानियों में, तो हमें उसकी आदत पड़ गई है। लेकिन अभी अभी जो अपग्रेडेशन ऑफ सिनेमा है उसमें बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं हरियाणा में भी, तो उसको उसको जज करने के लिए थोड़ा सा हमको अपग्रेड होना पड़ेगा एज ऑडियंस भी। तो उसका अंजाम जो है ना, अंजाम ये है कि लाइफ में सिचुएशन आती है, कोई कैसे हैंडल करता है, कोई कैसे हैंडल करता है, या तो कानून सजा दे देता है, और कानून जब सजा नहीं दे पाया हमारी कहानी में, तो लड़के ने खुद उस चीज को अंजाम दिया, तो अंजाम तो है। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में नशे पे बात चली जाती है, उसके बाद में एक लड़की के साथ में जो हुए तो की घटना घटित होती है, उसे ब्लैकमेल करता है, उसके बाद में जाता है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां सप्लाई वाली बात होती है, लेकिन एक कोर्ट की कार्रवाई को म्यूट करके रखा हुआ है। कोर्ट की कार्रवाई क्या है, मैं बताता हूं, बहुत सारी वेब सीरीज बनी जो कोर्ट रूम ड्रामा है। अगर हम कोर्ट रूम ड्रामा पे जाते तो ये 10 एपिसोड का बनता, और शायद हमारी जो कम्प्लीशन रेट है वो 10 एपिसोड तक ऑडियंस इतना लंबा नहीं देख पाती। अगर हम कोर्ट रूम ड्रामा को एक्सप्लेन करते डिटेल में, तो हमारी सीरीज का जो समप, जो आप कह रहे हो ना अंजाम तक पहुंचना, वो डिले हो जाता, और डिले होने की वजह से हम बहुत सारी ऑडियंस को खो देते। बहुत से लोग कोर्ट रूम ड्रामा को बहुत पसंद नहीं करते, वो चाहते कि कोर्ट रूम में क्या हुआ वो हमको बता दो बस। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, स्टोरी में इंटरेस्ट था सर। हाँ, मेरी पर्सनल थी, मेरा पर्सनल फीडबैक है, स्टोरी में इंटरेस्ट था, बने रह सकते थे अगर उसके अंदर। नहीं नहीं, कोर्ट रूम का जो पूरी कहानी है ना बहुत रिपीट होती है, आपको हमने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद कोर्ट रूम में वही बातें होती जो आप देख चुके हो, तो मेरे को लगता है कि स्क्रीन प्ले को बहुत वीक करती और हमारी ऑडियंस कटती उससे। चलो आप सर, राखी के फेस पर स्माइल है, वो कुछ बोलना चाहती है। मुझे नेक्स्ट डायरेक्टर दिख रहे हैं उनमें, आपका नाम क्या है? बस बस फिर अगली तैयार करो आप स्क्रिप्ट और कास्ट करो, हमें करते हैं कुछ। आप शॉर्ट कंटेंट ज्यादा बनाते हो, लॉन्ग कंटेंट आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट था ये, तो स्टेज के साथ का एक्सपीरियंस और लॉन्ग कंटेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा होता है? नहीं, लॉन्ग कंटेंट मैंने पहले बनाया है, पर वो कॉमेडी में बनाया है सारा, यूट्यूब पे जैसे वीडियोस की है मैंने, वो मतलब 12-13 मिनट की भी वीडियोस की है। ये मतलब फिल्म पहली है मेरी, ये मतलब सीरीज पहली है। पत्रकार हूँ जी जी, हम न्योता दे रहे हो कि आप बनाओ, स्वाद पूछ के दिखाओ भाई साहब, वो पूछ लेंगी, बहुत सारे पूछ लेंगी, सीरीज पे रेंट दो। हाँ जी, तो एक इससे हटके मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, पहले वो उनका आंसर दे दूंगा पहले। हाँ, ये मेरा मतलब पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मैंने एक सीरियस कैरेक्टर किया है, तो ये मतलब मेरे लिए खुद ऐसा था कि मतलब मैं काफी टाइम से ऐसा सोच रही थी कि मैं कॉमेडी से हटकर कुछ करूं, मतलब लोग मुझे उसी चीज में देखते, मैं नहीं, मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना वो रुक, मतलब अंदर से उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है कि नहीं अब ये और नहीं करना मुझे, लेकिन ऑडियंस उसको इतना पसंद करती है, तो मैं इसलिए करती हूँ कि मैसेज आते हैं तो मैं ठीक है, मैं चलो कर लेती हूँ। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस था सर के साथ धाकड़ छोरियाँ करना स्टेज के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कमियां भी हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से आई थिंक मैंने सही किया है, और सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला निशा से भी सर से भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को, अगर मेरी आज 10वीं है तो आने वाले एक साल में मेरी एक्टिंग मतलब कम से कम 70 पे हो, मैं इतना अपने ऊपर काम करूँ। क्या जी, आप चाह चू कॉफी का भी पी लो ना, कॉफी पिलाओ जी, कोई सर ने मोस्ट वल्नरेबल गर्ल, शी इज द मोस्ट काइंड को एक्टर जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, शायद मेरे को फील ही नहीं हुआ कि सेट पे मैं किसी नए इंसान से मिलूं, मैं पहली बार सेट पे राखी से मिली थी, और
वही जैसे राखी ने बोला ना, एक्टिंग इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस. आपका को एक्टर अगर आपको उतना दे रहा है तो आपको आप अच्छे एक्टर भी नहीं हो. अगर आपको थप्पड़ थप्पड़ वाला मिल गया ना तो आपका रिएक्शन भी थप्पड़ वाला ही आएगा. तो वो एक गिव एंड टेक प्रोसेस था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो बॉन्डिंग दिखी भी उसमें भी दिखी जो थी भी रियलिटी में. तो डायरेक्टर सर फ्यूचर में इन दोनों के साथ कुछ और प्लान है क्या? समाज में कौन सी ऐसी बुराई है जिनके ऊपर आगे भविष्य में आप हाँ वही सेम ही है क्या क्या हाँ बोलिए समाज में ऐसी कौन सी बुराई है जिनके ऊपर आगे इन दोनों के लोग फिल्म बनाना चाहो उनको साथ में जोड़ दो. अच्छा सेम ही है. ओके जोड़ मत रहा हूँ. ऐसा है कि अभी आगे का कोई ऐसा प्लानिंग तो नहीं है, बट जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है साथ में काम करके और एक इस प्रोजेक्ट को बनाने का, तो दैट वाज वेरी ग्रेट. और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हम पूरी कास्ट को रिपीट कर पाए, मे बी पार्ट टू या कुछ और. तो कोशिश रहेगी कि हम साथ में काम करें.